एक बार देखते हैं कौन कितना ऊपर जंप कर सकता है। मेरे साथ में एक्सैक्ट जंप। One, two, three, start, jump. Everybody, jump. Good. Jump. अभी आप सभी लोगों को जमीन छोड़ने का मौका मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी 13 फरवरी को जेई मेंस 2024 जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट आया है। उसमें वाइब्रेंट एकेडमी के स्टूडेंट्स का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा, तो एक बार जोरदार ताली हो जाए वाइब्रेंट स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ मैं आपको रिजल्ट के कुछ ग्लिम्स बताना चाहूंगा। वाइब्रेंट एकेडमी के 14 स्टूडेंट्स ने 99% और उससे ज्यादा स्कोर प्राप्त किया, तो एक बार जोरदार ताली हो जाए सारे स्टूडेंट्स के लिए। इसमें 6 स्टूडेंट्स ने 99.5% से ज्यादा स्कोर प्राप्त किया, एक बार जोरदार ताली के लिए भी हो जाए। वाइब्रेंट एकेडमी से कृष नरसारिया ने हाईएस्ट परसेंटाइल प्राप्त किया है, जो कि है 99.95%, तो जोरदार ताली हो जाए। साथ ही साथ एक बार जोरदार ताली हमारे टीचर्स डायरेक्टर्स के लिए होनी चाहिए। एक जोरदार ताली हमारे जो अकेडमिक और नॉन अकेडमिक स्टाफ है उनके लिए भी हो जाए, और एक जोरदार ताली आप लोगों के लिए बनती है। जोरदार ताली आप अपने लिए लगाए। आज हम इस सेलिब्रेशन को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स नाम लो ना, सारे बच्चों के नाम और परसेंटेज बताओ सबके, पकड़ के रखना। आज इस सेलिब्रेशन में हम उन सारे स्टूडेंट्स के नाम पे बलून छोड़ेंगे, और जिस तरीके से बलून ऊपर जाएगा हम कामना करते हैं वो सारे स्टूडेंट्स की सक्सेस, तो उनकी सक्सेस भी इसी तरीके से ऊपर जाएगी। ठीक है, मैं आपको जो बच्चे 98% है तो ऊपर क्वालिफाई हुए उनके नाम आपको एक बार बता देना चाहता हूं। तुषार सिंह, हर्ष पांडे, अनमोल अग्रवाल, जतिन गौतम, शाश्वत तिवारी, देवांश भदौरिया, शिवांश अग्रवाल, मोहित यादव, विराज सोडानी, मेघा कुमारी, आदित्य पाठक, निपुण गुप्ता, अनुराग अरवाले एंड कृष्ण सारिया। एक बार दोबारा ताली हो जाए इनके लिए वापस से। एक ये बच्चा जरूरी है, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स आज हमारे साथ में है, तो हम हमारे जो डायरेक्टर सर है एमएस चौहान सर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। आपके स्टूडेंट के पेरेंट्स भी यहाँ पर हो रहे हैं, तो एक बार दोबारा ताली हो जाए। आज हमारे साथ में निपुण गुप्ता है जिनका परसेंटाइज 99.72% रहा है। एक तो यहाँ पे मैंने देखा था विराज सोडानी, आई थिंक वो भी यहाँ पे ही है उनके पेरेंट्स के साथ में। आ जैसा कि आपको पता है कि हमारे ट्वेल्थ इसको पहनाओ, मैंने पहना दिया। जैसा उसे रिक्वेस्ट करूँगा एक और क्वालिफायर के लिए आपको सम्मानित करें। जैसा कि आपको पता है कि हमारे स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो इस समय हमारे साथ में यहाँ पे उपलब्ध मौजूद नहीं है, तो उनके नाम पे आज हम यहाँ पे केक कटिंग का एक छोटा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे पास पे यहाँ पे अवेलेबल है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ पे आ जाए, जो 12th and 13th वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे और है अवेलेबल। एक बार मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगा, वाइब्रेंट एकेडमी के 14 स्टूडेंट्स ने अबव 99% हासिल किए हैं। जोरदार ताली हो जाए इन सारे स्टूडेंट के लिए। तो चलिए सेलिब्रेशन की शुरुआत करते हैं। मैं सारे स्टूडेंट्स एंड हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर से टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे आए कटिंग के लिए।
बोले सर आइए। सिर्फ पढ़ाई होती है, आईआईटी की पढ़ाई होती है, तो तुमको फॉलो करना है उसको, और रिजल्ट नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता अगर तुमने अपने 90% एफर्ट भी दिए, 100% अच्छा रिजल्ट आएगा, जैसे मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा। जैसे सदन से लड़का, तुम बताओ इन बच्चों को कि भाई कैसे तुमने इतने अच्छे मार्क्स लाए। बस जो टीचर्स बोलते गए उसको फॉलो करा और अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाया कुछ, मतलब जो रोज होमवर्क देते थे सर वो करता था। अच्छा, और बस तो कई बार एग्जाम, भाई इन बच्चों को भी बताओ, कई बार एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स हमेशा ज्यादा ही आते थे या कम भी आते थे, वो बताओ। नहीं, मार्क्स तो फ्लक्चुएट तो करेंगे, उसमें मतलब आपको गिव अप नहीं करना है। अच्छा, मतलब लगे रहना है, लगे रहना है। थैंक यू, समझ गया ना भाई, लगे रहना है तो अच्छा रिजल्ट आएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा मेंस के बाद। अब तुम्हारा आगे प्लान क्या है, एडवांस मेंस टू दोगे या सीधा एडवांस की एग्जाम दोगे? एडवांस, अभी तो एडवांस का टारगेट, एडवांस का टारगेट। हां चलो भाई, बढ़िया, बेस्ट। हां देखो, देखो तो ये सेमीफाइनल है ना, पिक्चर अभी बाकी है ना, और अपन एडवांस के लिए भी खेले जाते हैं, तो एडवांस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे ये तुम लोग तो ये गूगल के बच्चे, इनका एक बार स्वागत करो यार, बच्चिया ने बहुत अच्छा मार्क्स लेके आई तो आंसर। हाँ, अरे आपस में दो एक दूसरे के, हाँ आपने दे दे, हाँ लो, अरे माले डालना है यार, शादी कर जाएगी। तो ये क्या नाम बेटा तुम्हारा? हाँ, ये बच्चे काफी मेहनत किया है, गूगल के स्टूडेंट्स है, और जब ये वाइब्रेंट आए थे तो काफी परेशान रहते थे शुरुआत में, सही बोलो ना, आप तो गंगे चेहरे की स्माइल देखो, है ना, तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे आप? प्लीज कम कम फॉरवर्ड, पहले अपना नाम बताएं। आई वालू क्या, और मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मतलब एकेडमिकली तो आप लोग सब जानते हो अच्छे हैं बहुत, और यहाँ पर एक लाइफ को देखने का पॉजिटिव आउटलुक जो हमें मिला है, तो हमेशा एक पॉजिटिविटी रहती है माइंड में कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। रही बात मॉक टेस्ट वगैरह की, उसमें सच में मेरे भी बहुत फ्लक्चुएट करते थे, बट क्या है ना, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारे हाथ में होता है मेहनत करना, तो हम अपने एफर्ट से आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स अपने 100% तक, और फिर जो रिजल्ट होगा उसको एक्सेप्ट कर लें, और अच्छा ही होगा अगर आपने अच्छा होता है एफर्ट्स डाले हैं तो। वो बहुत सही बात इन्होंने कही है कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है, मेहनत है, तो मेहनत करते रहिए, रिजल्ट की चिंता छोड़ दीजिए, रिजल्ट जो आएगा वो एक्सेप्टेड होगा, और रिजल्ट कभी खराब नहीं आता, तुरंत तुम्हें लगेगा कि रिजल्ट खराब आया, लेकिन लाइफ के लिए वो अच्छा ही होता है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट विशेष। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही मंजिल न कारवां है, बस तेरा इंतहा है, तू ही चला चल दिल के सहारे, कहती है मंजिल रास्ता पुकारे,
कोई कहीं तुझे रोक न ले, यूं ही पुकार के ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। थैंक यू।